सबको मेरा नमस्ते और स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही एक्साइटेड मेरे लिए, क्योंकि मैं एक नए जिम में जा रहा हूँ। आज पहला दिन है उधर का, लाइक ट्रायल लिया है, तो जाके एक्सपीरियंस करने वाला हूँ कैसा है वो जिम। एप्पल खा रहा हूँ, खाते खाते नीचे जा रहा हूँ। अभी नीचे मुझे आर्यन और रोहन मिलेंगे, वो लोग भी आ रहे हैं मेरे साथ। और रही बात जिम की, तो जिम मेरे घर से कुछ 5-6 किलोमीटर दूर है, तो लेट्स गो। अभी बहुत एक्साइटेड हूँ, आपको मिलता हूँ थोड़ी देर। One hour later. तो अभी हम लोग विद्याविहार आ गए और ट्रेन से हम लोग आए। गाड़ी भी था बट सोचा कि ट्रेन से एक बार रूट देख लेते हैं, जिम कितना दूर है स्टेशन से और कितना नहीं है। और फनी, सॉरी मैंने रूट बोला, ये लोगों को ज्यादा सुनाई दिया। और यहाँ पे काफी हद तक अच्छा अच्छा खाना भी है, फूड भी खाना नहीं, वो होटल खाना। जिम काफी हद तक आ गए अभी पास में, तो आपको सीधा जिम के अंदर जाके मिलते हैं। तो अभी हम लोग जिम के इधर है और आगे रोहन है और पीछे आर्यन, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो अभी कैप्चर करते हैं आर्यन का मुंह जो अभी खुलने वाला है। तो ये है जिम और ये रहा आर्यन। और इसके ऊपर भी है एक फ्लोर। काय मग काय बोलतो, चांगलं बायसेपच्या मशीनला तू कॉल। अरे ती मशीन पण आहे ह्याच्यासाठी, तू सांग। तो अभी हम लोग ये वॉर्म अप वाले एरिया में आ गए, हम अभी इसको पूछते कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, मन में लड्डू फूटे। हाँ बहुत बड़ा जिम है, अच्छा है, पर रॉड का थोड़ा सीन है। हाँ एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रॉड है, एक्चुअली जो रॉड है वो थोड़ा पतला है और लेंथ में कम है, बट नर्लिंग है तो हाँ नर्लिंग है, नर्लिंग अच्छा खासा है और स्क्वाट में तो अच्छा खासा देगा, जंप में भी, क्योंकि वो वाले जिम में नर्लिंग नहीं था तो एक डर लगता था। डेडलिफ्ट का भी थोड़ा सीन है, थोड़ा थोड़ा ही है, लेट्स सी। अभी एमएफसी तो अच्छा है, एमएफसी तो अच्छा है। हाँ एमएफसी से तो अच्छा ही है, क्या बोलते बहुत अच्छा है। तो अभी लेट्स गो, वार्म करने के बाद आज मिक्स करेंगे वर्कआउट, मिक्स यानी कि पूरा बॉडी का वर्कआउट। स्टूडियो यानी कि वो लिखा है जो स्टूडियो, आज उमर स्टूडियो, वहाँ पे पोजिंग वगैरह कर सकते ऐसा बोला था कोच ने। कर सकते अभी पैसा भरा है, पैसा भरा नहीं है। हाँ सॉरी, आज ट्रायल है तो भरेंगे, थोड़ा मिक्स करके निकलेंगे हम। If you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of destiny.
बेंच मार रहा था और 100 के अभी 2 गए। मुझे लगा नहीं कि जाएगा क्योंकि 10-12 दिन का ब्रेक हो गया था इस वजह से, लेकिन अभी भी स्ट्रेंथ है तो अच्छा है। तो अभी रोहन मार रहा है, रोहन कुछ कितना है ये 20 और दोनों साइड 10-10 मतलब 70 केजी मार रहा है। चल रोहन क्या बोल दो भाई, स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ तो इसका स्ट्रेंथ नहीं है मेरा है अजू नाड़ी सोते ट्रेडमिल होती। तो ये डंबल एरिया है और यहाँ पे काफ़ी हद तक 3-4-5 बेंच है और ये शोल्डर वाले है वहाँ पे 1-2-3-4 यहाँ पे काफ़ी हद तक बेंच और डंबल है और डंबल लास्ट टू लास्ट कुछ 50 या 60 का है मैंने देखा नहीं। और काफ़ी हद तक बड़ा जिम है ये, कुछ 10,000 स्क्वायर फीट का है, डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म है और वो साइड का एरिया मैं आपको बाद में दिखा दूँगा और ऊपर का भी, ऊपर का मैं लास्ट में जाने वाला हूँ थोड़ा बहुत, ऊपर का मैं थोड़ा बहुत अभी लास्ट में दिखा दूँगा क्योंकि उधर लाइट कार्डियो करने के लिए इस वजह से। तो अभी शोल्डर हिट की है और अभी बैक के लिए जा रहा हूँ, तो बैक करने के बाद बाइसेप ट्राइसेप को पंप देने के बाद ऊपर जाके आपको मिल had my bad days, but it doesn't mean I lost my darling. Where were you when my heart was on the ground? I thought time would prove that you would stick around. I guess time stood still, a king without his crown. Now I'm breaking, you're faking, girl. You never made a sound. प्लेटफॉर्म है तो देखना है लाइक बार कैसा है, फ्लोर कैसा है, स्लिप हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी मैं ले रहा था तो फ्लोर लाइक स्लिप हो रहा था, जो मैट है वहाँ से स्लिप हो रहा था। तो अभी देखते हैं बार पे 100 केजी लोड करके लेट्स गो। तो अभी डन विद वर्कआउट और अभी घर पे जा रहे, शायद से क्या वर्कआउट किया वो तो पता नहीं, मिक्स किया पूरा ऐसा कुछ नहीं, तो बाकी की बातचीत घर जाके। प्लान चेंज, अभी हम लोग स्काई के साथ जा रहे हैं बस ना बे। तो अभी जिम के बाद मैं स्काई के साथ जा रहा हूँ माटुंगा क्योंकि इसका कुछ काम है इस वजह से और हम लोग भी काफी दिन तक मिले नहीं थे तो आखिरकार मैं स्काई को मिल गया। तो अभी इसका कॉर्पोरेट लाइफ है तो ये काफ़ी हद तक फ्रस्ट्रेटेड हो गया और जॉब छोड़ दिया मैं, जॉब छोड़ ली, जॉब हाँ आदत छोड़ ली। तो अभी एक घंटे के बाद हम लोगों को जगह मिला और अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा बैठे हैं कुछ गार्डन टाइप है, इसने पता नहीं मुझे कहाँ पे लाया क्योंकि आप सबको पता रहेगा मैं ज़्यादा कहाँ पे घूमता नहीं हूँ। और सही बात तो रही बात जिम की, तो जिम के ऊपर मैं सोच रहा था कि घर जाके
मैं सोच रहा था कि घर जाके सब वीडियो बनाऊं कि जिम कैसे लगा। अभी मुझे लग नहीं रहा है कि मैं घर जाके बना पाऊंगा, क्योंकि पहले मैंने सोचा था घर पे जाके शूट करूं। तो जिम काफ़ी हद तक अच्छा है, लाइक बड़ा भी है बहुत और इक्विपमेंट्स बहुत है। रही बात मशीन्स की, तो मशीन्स भी बहुत है, तो अच्छा जिम है, बड़ा है, कार्डियो के लिए अलग जगह है, स्ट्रेचिंग के लिए अलग जगह है, बहुत सही है। अभी मुझे एक बार घर पे मम्मी पापा से बात करना होगा। तो रही बात ट्रैवलिंग की, तो थोड़ा सा दूर है, डेली गाड़ी लेके जाना जमेगा नहीं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत गर्दी है। पकड़े थे बराबर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काफ़ी गर्दी है। तो लेट्स सी, अभी मेरे साथ रोहन है और आर्यन भी उसके घर पे पूछ रहे हैं, तो देखते हैं। अभी ओवरऑल जिम बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सेक्सी है, और आई होप सो वीडियो अच्छी लगी हो। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।